गाइस हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2024 की। यहाँ पर चार टीमें क्वालिफाई हुई हैं, इंडिया और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिया इंग्लैंड के मैच की, जो बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है सेमीफाइनल के लिए। और अगर हम बात करें इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम के साथ 140 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अगर 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं और उनके ना जाने अनगिनत कितने फैंस उनके लिए दुआ करते हैं, तो हम यही दुआ करते हैं कि इंडियन टीम ने जो भरोसा दिखाया है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बरकरार रहे, वो कंटिन्यू रहे और इंडियन टीम सेमीफाइनल में जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश कर जाए। हम यही दुआ करेंगे। अभी फाइनल बहुत दूर है, दो स्टेप दूर है, लेकिन हमें मैच बाई मैच सोचना होगा, जैसे इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस करके सोच कर और आगे बढ़ के दिखाया है। तो हम भी उन्हीं के साथ हैं। हम दुआ यही कर सकते हैं कि सेमीफाइनल जीत और फाइनल में जाएं। लेकिन अगर हम मैच की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें तो इस वर्ल्ड कप की, अगर इंडिया और इंग्लैंड दोनों का अगर कंपैरिजन इस वर्ल्ड कप में करें, तो अभी तक इंग्लैंड अपने लीग मैच में भी एक मैच हारा है और सुपर एट में भी एक मैच हारा है। वहीं अगर हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया अभी तक कोई मैच नहीं हारा है। उनका एक मैच जरूर वॉश आउट हुआ था, लेकिन इंडिया अभी तक कोई मैच हारा नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो इनके बीच वर्ल्ड कप में चार मैचेस हुए हैं, इंडिया ने तीन में जीत दर्ज की है और एक मैच हारा है। तो 3-1 से इंडिया आगे है इंग्लैंड से, अगर हम वर्ल्ड कप्स में अगर देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप्स में अगर देखते हैं। अगर दोनों टीमों की डिटेल में जाएं इस T20 वर्ल्ड कप में, तो रोहित शर्मा और जोस बटलर 6 इनिंग में दोनों ने बराबर रन बनाए, 191 रन। लेकिन अगर हम 3 नंबर की अगर हम बात करें, तो फिलिप सॉल्ट ने 183 रन बनाए इंग्लैंड की तरफ से। और अगर हम बॉलिंग साइड से अगर हम बात करते हैं, तो बॉलिंग साइड से सबसे ज़्यादा अर्शदीप ने 15 विकेटें ली हैं, जसप्रीत बुमराह ने 11 और इंग्लैंड की तरफ से जोसफ आर्चर ने 9 विकेटें ली हैं। अगर हम देखते हैं तो टीमें बैलेंस्ड हैं, दो डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे बैटिंग हो, ऑलराउंडर हो या बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, दोनों भरी हुई हैं, कंप्लीट हैं दोनों टीमें। अच्छा मैच होने वाला है, कड़ाके का मैच होने वाला है, दोनों के लिए इजी नहीं होगा और दोनों के लिए ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड हो जाए। अनलकी अगर कोई डे रहा किसी टीम का तो हो सकता है, बट ये दोनों टीमें परफेक्ट टीमें हैं सेमीफाइनल देखने के लिए, खेलने के लिए, क्योंकि दोनों के लिए ही कड़ाके की टक्कर होने वाली है। अगर इस टूर्नामेंट में सिक्सेस की बात करें, तो हिटमैन शर्मा ने सबसे ज़्यादा 13 छक्के लगाए हैं और बाकी अगर हम जोश बटलर और फिलिप सॉल्ट की बात करें, तो 10-10 छक्के उन्होंने भी लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट हैं, कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर कि अगर देखा जाए, अगर बारिश आती है तो इंडिया डायरेक्टली थ्रू हो जाएगा फाइनल में, क्योंकि वो नंबर एक पर है। कुछ ऐसे DLS वाले सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि मैच पूरा हो, कंप्लीट हो, अच्छे से मैच देखा जाए और दोनों टीमें अपने अपने पूरे जोर लगाएं। लेकिन अगर हम बात करें इस मैच के ऊपर, तो ये मैच आखिरी एक स्टेप बाकी है फाइनल में जाने के लिए। अगर हमें फाइनल पहुंचना है, तो मोर देन 100% आपको देना पड़ेगा और अपने थॉट्स को क्लियर रखना पड़ेगा और आपको वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो आपको फाइनल तक ले जाए। तो क्यों, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैच है, तो यहाँ पर रिकवरी और आपका स्ट्रेंथ और आपका स्किल बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे भी और देशवासियों से भी कि आप दुआ कीजिए इंडियन टीम जीत कर फाइनल में जाए और बिना किसी रुकावट हम सब फाइनल मैच देखें। तो यही उम्मीद है कि इंडिया फाइनल जीते। अभी बहुत दूर है, हम दुआ ही कर सकते हैं, हम कोई क्लियरिटी नहीं देना चाहते इसमें कि इंडिया मैच जीत कर आए, एक इंडिया फाइनल जीत के आ जाएगी या हम जीत जाएंगे। ऐसा बहुत बार हो चुका है, प्रेडिक्शंस काफ़ी बार ऐसी हुई हैं कि हाँ इंडिया कंफर्म जीत जाएगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दुआ कीजिए बस, और दुआ कीजिए कि टीम इंडिया अच्छा खेले, और अच्छा खेली तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बस दुआ कीजिए कि इंडिया टीम मैच जीते और फाइनल खेले, बस उसके बाद बात की बात होती है।